हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं फिर आपके पास एक नई वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, गर्मी का सीज़न चल रहा है। तो फ्रेंड, गर्मियों के टाइम आप तो जानते हैं, कभी किसी को लू लगती है, कभी किसी को बुखार आता है, तो कभी कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है गर्मियों में। तो अक्सर ही होता है, किसी को बहुत उल्टियाँ होती हैं। तो फ्रेंड, इन सब के उपाय के लिए आप जानते हैं, जैसे दवा मेडिसिन काम करती है, वैसे ही पुदीना काम करता है। तो फ्रेंड, मैं आज आपके पास ऐसे ही एक उपाय लेके आई हूँ कि घर में ही हम लोग हर समय पुदीना का हम लोग को जरूरत पड़ सके। किसी हम लोग को अचानक से घर में उल्टियाँ हो रही हैं, किसी भी बच्चे को, बड़े को, किसी को भी हो सकता है कुछ भी। तो अगर हम लोग बाजार ना मिल रहा हो, बाजार में जब तक जाओ तब तक कितनी देर हो जाओ, तो हम लोग घर में ही अगर पुदीना हो जाए तो क्या दिक्कत है। तो मैं आज आपको पुदीना घर में ही छोटे से पॉट में कैसे लगाया जाता है उसके सारी तरीके बताती हूँ आपको, और तरीके बताऊँगी, और फिर मैं आपको स्टेप बाई दिखाती जाऊँगी कि आपको कितने दिन में कैसे पुदीना निकला है। उस हिसाब से मैं आपको अपडेट करके दिखाती रहूँगी। फिर अगर मेरा पुदीना बहुत अच्छा निकलेगा, वैसे तो पुदीना में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छा निकल जाता है, अगर मेरा पुदीना बहुत अच्छा भरा भरा निकल गया तो मैं आपको चटनी भी पीस के दिखाऊंगी उसमें। तो अब ये तो डिपेंड करता है हमारे पुदीना पे कि पुदीना हमारा कैसा निकला। तो ये देखिए, मैं मार्केट से कल लेके आई थी, ये मैंने कल मार्केट से लिया है पुदीना, पूरी एक गड्डी मिली थी 10 रुपये की आज, और ये बस इतना पुदीना मतलब थोड़ा सा था, बाकी मैंने यूज़ कर लिया है। तो ये फ्रेंड, मैंने पूरा रात भर इसको, समझ लीजिए पूरी रात मैंने इसको पानी में रखा है, उसके बाद भी आप देख रहे हैं ये काफ़ी मुरझा गया है। लेकिन हम लोग को मतलब कुछ ऐसा इसका लीफ का कुछ काम ही नहीं है, हमको तो इसको बो के दिखाना है। तो मार्केट से भी आप लोग आराम से इसको ले सकते हैं, और पूरी रात आपको इसको पानी में रखना है, और पूरी रात पानी में रखना है, और कैसा इसको रखना है वो मुझे आपको आइडिया दिखाने हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे कितनी सारी इसमें डॉट डॉट बना हुआ है। ये देखिए, 1 2 3 डॉट पड़े हुए हैं इसमें। तो हमको मतलब ये डॉट समझ लीजिए आधे इतने सिर्फ पानी में रखने हैं, और यहाँ ऊपर से हमको इसकी डंडी तोड़ देनी है। ये ऊपर से हिस्सा हमको तोड़ देना है, और इसकी डंडी हल्की सी रखनी है जो हमको मट्टी के अंदर डालनी होगी। लेकिन हमको रात को इसको पानी में कैसे रखना है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये मैंने एक डंडी ली, ये मैं रख चुकी हूँ, लेकिन मुझे आपको आइडिया दिखाना है इसको। ये देखिए, इसमें देखिए हल्की सी जड़ निकल रही है, ये देखिए ये जड़ निकल रही है, और इसमें भी स्टेप बाय स्टेप बने हुए हैं। मैंने ऊपर इसका ऊपर का भी मुंह तोड़ दिया है, 2 डंडी हो गई हमारी, 3 डंडी हो गई, मतलब हमको सारे सब कुछ ऐसे ही लेना है। और हमको एक पेपर लेना है, ये देखिए एक पेपर लिया है, और हमको देखिए इस पेपर में ऐसे छेद करना है कि जिससे कि ये हमारी पूरी डंडियाँ पूरी ग्लास के अंदर पूरी डूबनी नहीं चाहिए, नहीं तो ये सड़ जाएंगी। तो इसीलिए मैंने रात को ये करके देख लिया था, तो मैं ये आपको दिखाना है मुझे, तो इसलिए मैंने ये दिखाने के लिए आपको खाली दिखाना है मुझे, मैं तो अपना पूरा उपाय कर चुकी हूँ। तो ये कागज़ लिया है मैंने, इसमें छेद किया है, और ये देखिए ये मैंने छोटा सा गिलास लिया है, ये देखिए आधा गिलास पानी है, हमें बिल्कुल भरना नहीं है पानी, नहीं तो हमारी डंडियाँ सड़ जाएंगी। और वैसे भी देखिए, ये देखिए इसमें मैंने रखा है, तो लेकिन ये हमारी डंडियाँ पूरी टच हो रही हैं, तो ये डंडियाँ हमारी इसमें गिलास में टच नहीं होनी है, अगर टच होएंगी तो ये सड़ जाएंगी, तो हम लोग उगाएंगे क्या। तो हमको तो इसमें उगाने का उपाय ढूंढना है ना, तो हमको इसमें कागज़ रखना है, और ये कागज़ है बस इतनी सी, ये देखिए। अब ये डंडियाँ हमारी देखिए इसमें डूबेंगी नहीं, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए। तो ये हमारा बहुत अच्छा उपाय है, इससे हमारी डंडियाँ बिल्कुल नहीं सड़ेंगी, और हमको पूरी रात इसको रखना है, सिर्फ 4 दिन, 4 दिन रखना है। मैंने भी आपको दिखाने के लिए रखा है, लेकिन ये फॉलो हमको 4 दिन करना है, ये रूल हमको 4 दिन फॉलो करना है। अगर ये 1 स्टेप है, मतलब 1 स्टेप आप लोग ऐसा कर सकते हो, ये मैंने आपको एक स्टेप करके दिखाया है, दूसरा स्टेप हम लोग डायरेक्ट भी इसको गमले में लगा सकते हैं। तो ये भी देखिए, एक डंडी ली मैंने, 2 डंडी ली, ये देखिए ये मैंने तीसरी ले ली है, ये 4 ली है, 5 ली हैं, 6 ली हैं, 7 ली हैं, तो मतलब हम लोग ऐसी 8-10 ले लेते हैं जितना हम लोग का पॉट है। तो हमको इसमें भी क्या करना है, ऊपर की सब चीज़ें हमको पत्तियां तोड़ देनी है, क्योंकि हम लोग की ऊपर की पत्तियां कोई काम की नहीं है, हमको ऊपर ऊपर की बिल्कुल पत्तियां तोड़ देनी है। ये देखिए, ये हमने ऊपर की सबकी डंडियाँ तोड़ दी हैं, ये हमारे कोई मतलब की नहीं है। और हमको इसकी मतलब समझ लीजिए, हम लोग जैसे कोई भी प्लांट लगाते हैं तो हम लोग को दुनिया भर की खाद की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पुदीना सोचिए हम लोग के 100 रोगों की एक दवा है, लेकिन हम लोग की दवा के लिए इसको कुछ हम लोग को खिलाना ही नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। मतलब आप सोचिए, मिट्टी देखिए, आप सिर्फ रेतीली, बिल्कुल देखिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल मिट्टी है, तो हमको बिल्कुल सिंपल मिट्टी इसमें लेनी है। अगर जब आपके इसमें हल्की हल्की लीफ निकले तो आप
गोबर खाद देनी है। और उसके बाद मतलब सिर्फ सिंपल देखिए ये मिट्टी है, ये देखिए पॉट में ना छोटा सा पॉट लिया हुआ है मैंने, हमको आप बड़ा भी ले सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा जादू है जो मुश्किल से 15 या 20 दिन में ये पूरा तसला आपका भर जाएगा, ये इतना इसमें जादू होता है। ये बहुत बिल्कुल घास की तरह फैलता है, तो हमको अगर आपको ज़्यादा साल भर चाहिए तो आप उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपको जगह हो, जिस हिसाब से आपके पास पॉट हो, जिस हिसाब को जितना आपको पुदीना की आपको साल भर चाहिए तो उस हिसाब से आप पॉट लीजिएगा। वैसे ही तो ये एक पॉट से 1000 पॉट बन जाते हैं, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत ज़रूरत है मुझे आपको दिखाना है, तो मैंने तो छोटा ही सा पॉट लिया हुआ है। उसके बाद ये 1000 पॉट में अपने आप ही इतने ज़्यादा इसमें फैल जाएगा कि मैं 10 पॉट में अपने आप ही लगाती रहूँगी। तो हमको फिर क्या करना है, सिर्फ ये मिट्टी हमने ऐसी सिंपल से ली है, और देखिए इसमें बिल्कुल अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला हुआ है, फिर मैं इसमें डालने के बाद मुझे पानी डालना है। तो ये देखिए हमको धीमे से इसको, ये देखिए ऐसे डाल देना है, हमको कुछ भी नहीं करना है इसमें, ऊपर की डंडी बिल्कुल पत्तियां नहीं रखनी चाहिए। एक डंडी हो गई, दो डंडी हो गई, ये 3 डंडी हो गई हैं, ये 4 डंडी हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई है, ये 7 हो गई है, ये 8 हो गई है, ये 9 हो गई, 10, 11। अब देखिए हमने इतनी दूरी दूरी पे ये लगा दी हैं, और अब इसको हमको सिर्फ पानी देना है, हल्का हल्का सा, हल्का हल्का इसमें पानी डालना है। इसके बाद हम लोग 15 दिन बाद देखेंगे कि इसकी क्या पोजीशन होती है। जब 15 दिन बाद ये हम लोग की कुछ पोजीशन निकल जाएगी तब मैं आपके पास आऊँगी फिर से। तो हमारे 15 दिन पूरे हो गए हैं आज, और मैंने अपने छत में इसको तसले को रख दिया था क्योंकि हमको इसको पूरे टाइम धूप में ही रखना है। पुदीना ठंडक में बिल्कुल नहीं लगता है, ठंडक में बिल्कुल सड़ जाता है, तो हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। मैंने इसको परमानेंट छत पर ही रखा हुआ है अपनी, और मैं देखने आती थी बराबर, और पूरे दिन भर धूप में देखती थी, मैंने देखती थी छू के इसमें मिट्टी कितनी सूखी है, जितनी सूखी होगी तो उतना समझ लीजिए हमारा पुदीना बहुत अच्छे से लग रहा है। तो हमको पूरे दिन भर में इसकी मिट्टी छू के ही पानी डालना है इसमें। अगर हमारी लीफ मुरझा रही हैं, कुछ मेरे देखिए कुछ डंडियाँ मेरी मर गई हैं, ये शायद मेरे ख्याल से मेरी तैयार नहीं हुई है, ये शायद बेकार हो जाएगी, लेकिन मैं अभी इसको उखाड़ूंगी नहीं, हो सकता हूँ नीचे से निकल रही हूँ। और कुछ देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ से तोड़ी थी, ये देखिए इसमें कितनी छोटी छोटी सी पत्तियां निकल रही हैं, मतलब ये हमारा 15 दिन का रिजल्ट कितना अच्छा हो गया है। ये पत्तियां देखिए, ये देखिए, ये नीचे से देखिए कितनी बढ़िया पत्ती इसमें निकल रही है, ये देखिए एक यहाँ से निकली है छोटी छोटी सी, ये देखिए कितनी छोटी छोटी सी पत्तियां इसमें निकल रही हैं, ये देखिए एक, ये देखिए, ये देखिए ये सारी पत्तियां मेरी तैयार हो गई हैं। अब मुझे लगता है ये हमारा 1 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ये देखिए, ये देखिए मैंने मतलब कितनी डंडियां लगाई थी, उसमें से मेरे ख्याल से एक ये डंडी बेकार हो गई है शायद, एक ये डंडी, 2 डंडियां मुझे लग रहा है कि मेरी शायद सक्सेसफुल नहीं रही है, लेकिन बाकी डंडियां देखिए कितनी अच्छी इसमें पत्तियां, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी पत्तियां निकल रही हैं, इतनी अच्छी खुशबू इसमें सुगंध आ रही है, मतलब पुदीना है तो पुदीना तो चारों तरफ बिल्कुल अपनी सुगंध बिखेरता है। ये देखिए, ये देखिए नई डंगाल हुई है ये तैयार, इसमें भी कितनी प्यारी पत्तियां आ गई हैं, ये देखिए नई पत्तियां निकली हैं इसमें, ये देखिए ये नई नई पत्तियां निकल रही हैं, और चारों तरफ से यहाँ से देखिए ये मेरे ख्याल से फैलना शुरू हो गया है सिर्फ 15 दिन में हमारे। अब इसके बाद मैं देखूंगी, मुझे सिर्फ पूरे दिन भर में इसको एक बार पानी डालना है, और थोड़ी सी मैं इसमें गोबर की खाद अब डाल दूंगी क्योंकि इसमें मेरी ये पुदीना तैयार हो गया है, तो सिर्फ हमें गोबर की खाद इसमें डालनी है और कुछ भी नहीं डालना है, कोई फर्टिलाइजर नहीं देना है, बस एक, क्योंकि पुदीना ये खुद ही मिंट है तो इसमें कीड़ा कभी नहीं लगता है। सिर्फ पानी पे हम लोग को ध्यान देना है, इसमें पानी हमको कितना डालना है, पानी की वजह से ये सड़ जाता है, और ठंडक की जगह में हमको नहीं रखना है, अगर हम ठंडक जगह में रखेंगे तो ये हमारा सड़ जाएगा। तो ये मेरा फार्मूला बहुत अच्छा है, मैं हर साल अपने घर में बहुत पुदीना लगाती हूँ, और हर साल पूरे मतलब जब तक इसकी फसल रहती है, सर्दियों में सिर्फ ये मर जाता है, थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत पत्तियाँ बच जाती हैं तो बची रह जाती हैं, लेकिन फिर ये तैयार हो जाता है जैसी गर्मियाँ आती हैं। तो प्रॉपर ये गर्मी का ही उपाय है, गर्मियों में भी हम लोग बहुत अच्छा पुदीना घर पे लगा सकते हैं फ्रेंड। तो अब मैं आती हूँ आपके पास, जब ये पूरी तौर से मेरा तसला भर जाएगा तब मैं इसका अपडेट आपको दिखाऊंगी। अगर पूरा भर गया मेरा तसला तो मैं आपको चटनी भी पीस के दिखा दूंगी, और आपको यकीन हो जाएगा कि मेरा फार्मूला बहुत अच्छा है। मार्केट से सिर्फ हम लोगों ने पुदीना जरा सा लिया था और हमारे घर में पूरे घर में तसला भर गया था पुदीना से। तो चलिए फ्रेंड फिर मैं आप, तो फ्रेंड आज हम लोग का पूरा 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, और मतलब रिजल्ट आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इतना बढ़िया छोटा सा मेरा पॉट है, और मतलब मेरे ख्याल से 1 महीना 25 दिन पूरे लगे हैं, पूरा 1 महीना 25 दिन तो हो गए करीब। और फ्रेंड रिजल्ट देखिए आप, कितना अच्छा रिजल्ट पूरा मेरा देखिए,
ये पूरा गमला भर गया है और इतना बढ़िया पुदीना निकल आया है इसमें। और अब मैं इसको रोज़ देखिएगा ट्रांसफ़र करती रहूँगी, छोटे छोटे से निकाल निकाल के इसमें इतनी सारी रूट निकल आई है। अब ये जंगल की तरह फैलता रहेगा, तो हमको जंगल की तरह फैलाना इसको नहीं है, आपको जंगल की तरह फैलाना है आपको। तो आप 10 प्लांट में इसको बदल सकते हैं और आपको जंगल की तरह इसको फैलाना है, इसमें खूब सारा डेवलप करना है कि हमारा पुदीना इतने से और इतना फैल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए ऊपर की जितनी, ये देखिए ये आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर की है इसको हम लोग को कट करनी है। ये देखिए ऐसे कट करना है, ये हमको जितनी ऊपर से इसकी लीफ है ये हमको ऊपर से सब कट कर देनी है। इतना बढ़िया रिजल्ट निकल आया है, तो ये हम लोग को काटना ही है। जब हम लोग इसको काटेंगे तो वैसे भी आप देखते हैं जब हम लोग के बाल बड़े हो जाते हैं तो हम लोग को बस ऐसे इनके मुंह काट देने हैं, जिससे कि ये हमारा फिर से 15 दिन में फिर ये पूरा का पूरा पुदीना तैयार हो जाएगा। जितने भी इसके मुंह हैं हम लोग को सारे मुंह काट देने हैं। ये हम लोग का 1.25 महीने का रिजल्ट है, इतना बढ़िया शानदार रिजल्ट हम लोग को। पूरे इसके मुंह देखिए कितने बाहर ये डंगाले आ रही हैं, पूरी तौर से ये फैलने को तैयार हो गई हैं और हम लोग को ऐसे ऐसे काट देनी है। इतना मेरा छोटा सा था ये गमला और देख सकते हैं आप कैसे पूरी तौर से ये भर गया है, पूरी तौर से इतना बढ़िया रिजल्ट रहा है। और इसमें सोचिए हम लोग ने कुछ भी नहीं किया है, हमको कोई भी इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाना है क्योंकि ये खुद ही इतनी दवाइयों से भरपूर होता है, तो हमको इसमें कोई दवा की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये खुद ही दुनिया की दवा है, तो हम लोग क्यों उसको दवा खिलाएंगे। सिर्फ एक गोबर की खाद आपको डालनी है, समय पर आपको पानी देना है और परमानेंट इसको धूप में रखना है, सिर्फ इतने छोटे से उपाय करने हैं। और बाज़ार से ही इतना आराम है कि बाज़ार से हर जगह आपको ये उपलब्ध होता है, हर जगह आपको मिल जाता है बहुत आराम से। तो ये हम लोग का इतना हम लोग ने पुदीना ये तैयार कर लिया है, इतना सोचिए हम लोग का ये पूरा 1 महीने में इतने छोटे से टब में इतना सारा निकल आया है। तो अब फिर मैं सोच रही हूँ आपको चटनी भी पीस के दिखा दूँ क्या। अब इसकी चटनी तो आप जानते हैं हम लोग मतलब बुखार में भी खाते हैं और उल्टियों में खाते हैं, लू लग जाती है, पना बनता है इसका, और बतासे का पानी के बतासे का पानी बनता है, मतलब इतने जगह में ये पुदीना काम आता है, मतलब हर जगह पुदीना ही पुदीना, पूरी गर्मियों का समझ लीजिए रामबाण इलाज सबका क्या होता है पुदीना। तो ये मैंने 2 पानी में ले लिया है और मैं अब आपको इसको चटनी पीस के दिखाती हूँ। तो ये हमने देखिए अमचूर पाउडर लिया हुआ है, ये थोड़ा सा नमक लिया है स्वाद अनुसार, और ये हमने थोड़ी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें मेरे पास नहीं थी तो मैंने लाल मिर्चें इस्तेमाल की हैं, आम नहीं था, मैंने आम का पेड़ लगाया है, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, तो थोड़े मेरे आम और बड़े हो जाएंगे तो मैं उसको तोड़ूंगी, इसलिए मैंने तोड़ा नहीं, मैं घर का ही हर चीज़ इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने आमचूर का पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो फ्रेंड अब हम लोग क्या चटनी बनाएं क्या, तो आप इसकी चटनी पराठे के संग भी खा सकते हो, समोसे के साथ भी खा सकते हो, हर तरह से ये चटनी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और मतलब बुखार के लिए तो रामबाण बिल्कुल इलाज होता है, लू गर्मी में जो भी घर आता है बाहर कहीं जाता है तो लू लग जाती है, तो उसके लिए तो समझ लीजिए मैं आपको क्या क्या बताऊं, इतनी मतलब बढ़िया चीज़ है ये, हर जगह पूरी गर्मी भर हर आदमी इसको पुदीना को चटनी खाने में यूज़ करते ही करता है। सुबह आँख खुलती है ब्रेकफास्ट में, कितने लोग तो ब्रेड के साथ भी इसको, जैसे जैम हम लोग लगाते हैं तो वैसे ही इसकी पुदीना की चटनी भी ब्रेड में लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रेड खाने से थोड़ी बहुत गैस बन जाती है और ये गैस की भी बहुत अच्छी दवा है और सर दर्द की बहुत अच्छी दवा है, हर तरह से ये हम लोग की इतनी बढ़िया दवा है। तो हम लोग को इसलिए चटनी बना के पूरी गर्मी भर इसकी रखते हैं और इसीलिए मैंने इसको घर में लगा रखा है, घर में लगाया है, तो आप लोग जब चाहे तब आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इतना मिर्चा इसमें ले लिया है, वैसे आप लोग स्वाद अनुसार ले सकते हैं, मेरे घर में थोड़ा कड़वा कम खाया जाता है तो कहीं तेज ना हो जाए, तो मैं 3 मिर्ची ले लेती हूँ और ये पूरा अमचूर मैंने ले लेती हूँ, और नमक शायद ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा नमक कम लेती हूँ मैं। तो ये हमारी चटनी के लिए इतना सामान तैयार हो गया है, अब मैं आपको इसकी चटनी पीस के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड मेरी चटनी पूरी तौर से चटनी तैयार हो गई है और मतलब इतना मेरे मुंह में पानी आ रहा है, शायद आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। वाओ खुशबू तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, मतलब घर का पुदीना वाओ यमी, बहुत मुंह में मेरे पानी आ रहा है। और जो लोग पीसते होंगे सच में, जो लोग घर में पुदीने की चटनी सभी लोग यूज़ करते हैं, मुझे पता है सभी के घर में पूरी गर्मी भर चटनी बनती है पुदीने और आम की, तो सबको पता होगा कि जब घर में पुदीना पीसता है तो पूरा घर, बाहर से भी अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो उसको पता चल जाता है कि आज हमारे घर में पुदीने की चटनी बनी है। इतनी टेस्टी होती है, इतनी महक होती है इसमें कि मतलब अगर हम लोग को कहीं से बाहर से भी कोई गंदगी महक आ रही होगी तो पुदीना इतना तेज होता है कि वो सारी हम लोग की गंदगी सब दूर कर देता है। तो ये देखिए मैंने कितनी बढ़िया चटनी तैयार कर दी है,
ये देखिए कितनी जल्दी हमारी पुदीने की चटनी तैयार। तो ये हम लोग पूरी गर्मी भर हर तरह से खाने के लिए तैयार हैं इसको। अब ये देखिए मैं इसको भर लेती हूँ, देखिए इतनी पूरी हमारी ये पुदीना की चटनी तैयार हो गई है। अब इसको आप चाहे तो पराठे के संग खा सकते हैं, समोसे के संग खा सकते हैं, ब्रेड के संग खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, जिससे आपकी इच्छा हो आप उससे चटनी खाइए। दाल चावल वाओ यमी, दाल चावल राजमा चावल आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। पुदीने की चटनी हर जगह इस्तेमाल होती है पूरी गर्मियों भर। तो फ्रेंड आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ये देखिए कितनी बढ़िया चटनी तैयार हो गई है हमारी। मेरी वीडियो कैसी लगी, मैं आपके पास फिर से खूब अच्छी वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियो बहुत पसंद करोगे, तो मुझे इसमें बहुत अच्छे नंबर दोगे फ्रेंड। तो ओके फ्रेंड, चलती हूँ मैं, बाय बाय।